देखिए, यहाँ हम जीवन में मिठास घोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन सीरियल अनुपमा में अनुज और अनुपमा की लाइफ में मिठास जो है वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। वो तो वेरी सिंपल रीजन कि अनुज ने अपनी बहन के सामने घुटने टेक कर जायदाद तो उसके नाम कर दी है, लेकिन इस जायदाद का फायदा उठाएगा वनराज, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। सब कुछ हमेशा से तेरा ही तो था, आज सिर्फ सब कुछ तेरे नाम ही तो हुआ है। मैं कपाड़िया एम्पायर की जिम्मेदारी से रिजाइन कर रहा हूं, तेरे भाई होने की जिम्मेदारी से नहीं। आज भाई बहन के रिश्ते में साजिश रचने वाला जीत गया, लेकिन नहीं हारा है भाई बहन का रिश्ता। अनुज ने आज बहन की खुशी के कारण सारा कपाड़िया एम्पायर उसके नाम कर दिया। अपना नाम हटाकर उसने मालविका का नाम टेबल पर रख दिया है। बहुत कोशिश हुई, बातें भी हुई, मगर इस तकरार को अनुज खत्म कर देना चाहता है ताकि भाई बहन के रिश्ते में कोई दरार ना रह जाए। मालविका जानती है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन वनराज की बातों ने उसकी सोच पर कब्जा कर रखा है। हालांकि जब अनुज ऑफिस से बाहर चला गया तब मालविका फूट फूट कर रोने लगी। अब तो वनराज अपनी चाल में कामयाब हो गया है, सारी जायदाद मालविका के नाम हो चुकी है, लेकिन अब देखना होगा कि वो प्रॉपर्टी अपने नाम किस तरह करवाता है। और इस बीच अनुपमा क्या करती है, क्या वो वनराज को मात दे पाएगी या फिर वनराज दोबारा जीत जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।